الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے آپ کے غزوات کے بارے میں. ایک غزوہ تھا غزوہ ذات الرقاء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجد میں غطفان کے قبیلہ بنو سالبہ اور بنو محارب پر حملہ کے لیے چل
400 या एक रिवायत मुताबिक 700 सहाबा की जमीत के साथ रवाना हुए और मदीने में हज़रत उस्मान को अमीर मुकर्रर फरमाया और एक रवायत के मुताबिक हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को अमीर मुकर्रर फरमाया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजद में नखल मुकाम पर पहुँचे जिसे ज़ातुल रिका कहते हैं। वहाँ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए बड़ा लश्कर तैयार था। दोनों ग्रोह एक दूसरे के बिलमुकाबिल हुए, ताहम जंग ना हुई और लोग एक दूसरे से खौफज़दा रहे। इसी जंग के दौरान पहली मरतबा मुसलमानों ने सलात खौफ अदा की। इस गज़वे की वजह तस्मिया के बारे में यह भी ज़िक्र आता है कि उसे ज़ात-उर-रिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सहाबा ने अपने झंडों में पैबंद लगाए हुए थे। यह भी कहा जाता है कि इस इलाके में एक दरख्त या पहाड़ था जिसका नाम ज़ात-उर-रिका था। बुखारी की रिवायत में इस तरह ज़िक्र है, हज़रत मूसा अशरी बयान करते हैं कि हम एक हमले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले और हम 6 आदमी थे। हमारे पास एक मुश्तरका ऊँट था जिस पर हम बारी बारी सवार होते थे। हमारे पाँव फट गए, यानी गज़बे में 6 आदमी नहीं थे, ये 6 आदमी उस ऊँट के लिए थे, और मेरे दोनों पाँव भी फट गए और मेरे नाखून गिर गए और हम अपने पाँव पर कपड़ों के टुकड़े लपेटते थे, इसलिए इसका नाम गज़वा ज़ात-उर-रिका यानी चीथड़ों वाली लड़ाई रखा गया क्योंकि हम कपड़ों के टुकड़े अपने पैरों पर बांधे हुए थे। ये एक नोट है, ये बयान कर देता हूँ, सर्च चैनल ने ठीक नोट लिखा है कि कुतुब तारीख व सीर के मुताबिक गज़वा ज़ात-उर-रिका 4 हिजरी में हुआ था, जबकि इमाम बुखारी ने उसे गज़वा को गज़वा खैबर की बात करार दिया है क्योंकि हज़रत अबू मूसा अशरी इस गज़वे में शामिल हुए थे और वो गज़वा खैबर के बाद मुसलमान हुए थे, इसलिए 7 हिजरी की तारीख इस गज़वे की ज़्यादा करीन क़यास है। फ़तह मक्का के ज़मन में ही जो रवायात हैं उसमें जो 8 हिजरी में हुई, सुनन नसाई में एक तफसीली रवायत यूँ मज़कूर है जिसमें फ़तह मक्का के मौके पर उन अफराद की तफसील बयान हुई है जिनके कत्ल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से इरशाद जारी हुआ था। हज़रत मुसअब बिन साद अपने वालिद से रवायत करते हैं कि फतह मक्का के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मर्दों और 2 औरतों के अलावा बाकी सब कुफार को अमान दे दी थी। आपने फरमाया, इन 4 को कत्ल कर दो, ख़ा तुम उन्हें काबा के पर्दों से चिमटे हुए पाओ। वो इकरमा बिन अबू जहल, अब्दुल्ला बिन खतल, मुकीस बिन सुबाबा और अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरर थे। अब्दुल्ला बिन खतल जब पकड़ा गया तो उसने खाना काबा के पर्दों को पकड़ा हुआ था। हज़रत सईद बिन हुरैस और हज़रत अम्मार बिन यासर दोनों उसकी तरफ लपके और सईद ने आगे बढ़कर उसको कत्ल कर दिया। मकीस को लोगों ने बाजार में पाया और उसे कत्ल कर दिया। इकरमा समुंदर की तरफ भाग गया, किश्ती पर सवार लोगों को समुद्री तूफान ने आ लिया। उस पर किश्ती वालों ने कहा, तुम लोग इखलास और सच्चाई से काम लो क्योंकि तुम्हारे माबूद यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं देंगे। इस पर इकरमा ने कहा, बखुदा मुझे समुंदर में अगर कोई चीज़ बचाएगी तो इखलास और सच्चाई है, और खुशकी पर भी इखलास और सच्चाई ही मुझे बचाएगी। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पुख्ता अहद करता हूँ कि अगर तू मुझे इस तूफ़ान से महफूज रखे तो मैं ज़रूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखूँगा
और मैं ज़रूर उन्हें अफ़ूफ़ करने वाला और करीम पाऊँगा। फिर वो वापस आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस बारे में ज़्यादा मशहूर रवायत यही है कि जहाज़ पर चढ़ने से पहले ही उसकी बीवी ने आकर उसे कायल कर लिया था और वापस ले गई थी। ये रवायत भी आगे आ जाएगी। बहरहाल ये एक सूरह नसाई की एक रवायत है। जहाँ तक अब्दुल्ला बिन अबी सरा का ताल्लुक़ है, तो वो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के यहाँ छुप गया। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बैत की दावत दी, तो हज़रत उस्मान उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, अब्दुल्ला की बैत कबूल फरमाए। आपने अपना सर उठाकर उसकी तरफ तीन मरतबा देखा और तीनों मरतबा इनकार किया। बहरहाल इस आखिर आपने बैत इसकी ले ली। और फिर आपने ये भी फरमाया कि कोई साहिब अक्ल शख्स ना था जो उस शख्स को कतल कर देता जिसकी बैत लेने से मैंने तखल्लुफ़ किया था। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमें कैसे इल्म होता कि आपके दिल में क्या था, आपने क्यों ना आँख से हमें इशारा किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी के लिए जायज़ नहीं कि वह आँखों की ख़यानत का मुर्तकिब हो। ये रवायत सुनन अबू दाऊद में भी है। अलबत्त सुनन अबू दाऊद में एक दूसरी रवायत भी मौजूद है, लेकिन इस रवायत में के आखिरी फ़िक्रात यानी उसको कत्ल करने वगैरह का जिक्र नहीं है। चुनाँचे इस रवायत में बयान है कि हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब था। उसे शैतान ने बहका दिया, वो कुफार से मिल गया। फतह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म दिया। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने उसके लिए पनाह तलब की। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पनाह दे दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में कि कत्ल करना था, क्यों नहीं कत्ल किया, इसके बारे में ये भी एक वजाहत की जाती है कि इस रवायत में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा को यह फरमाना कि जब मैंने बैत लेने में तामुल किया तो तुम लोगों ने उसको कत्ल क्यों ना कर दिया। मौले नज़र है, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बैत ना लेना चाहते और उसके कत्ल के फ़ैसले पर रहना पसंद फरमाते, कायम रहना पसंद फरमाते, तो उसको कत्ल करने का इरशाद फरमा सकते थे। आप फाते थे, सरबराह रियासत थे और उसके कत्ल का फ़ैसला भी मबनी पर इंसाफ था। इसलिए हो सकता है कि इस रवायत में किसी रावी की अपनी राय या ख्याल शामिल हो गया हो। मज़ीद बरां ये रवायत बुखारी और मुस्लिम में मौजूद नहीं है। और अबू दाऊद में इसी मज़मून की एक रवायत हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है, जिसका जिक्र हो चुका है और इसमें कत्ल करने का कोई जिक्र नहीं है। हज़रत मुस्लिम आउद रज़ी अल्लाह अन्हो सूरतुल मोमिनीन की आयत नंबर 15 की तफसीर करते हुए इस वाक़े का तज़किरा यूँ बयान करते हैं कि इस आयत के साथ एक तारीख़ी वाक़ा भी वाबस्ता है, जिसका यहाँ बयान कर देना ज़रूरी मालूम होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कातिब वही था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी सरा था। आप पर जब कोई वही नाज़िल होती तो उसे बुलवा कर लिखवा देते। एक दिन आप यही आयतें उसे लिखवा रहे थे जब आप सुमा अनशाना हो खलकन आखर पर पहुँचे, तो उसके मुँह से बेख्तियार निकल गया, फ़तबारक अल्लाह आसनुल खालिकीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वही है, इसको लिख लो। उस बदबخت को ये ख़्याल ना आया कि पिछली आयतों के नतीजे में ये आयत तभी तौर पर आप ही बन जाती है। उसने समझा कि जिस तरह मेरे मुँह से ये आयत निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको वही करार दे दिया, इसी तरह आप नऊज़ु बिल्लाह ख़ुद सारा कुरान बना रहे हैं। चुनाचे वो मुर्तद हो गया और मक्के चला गया। फतह मक्का के मौके पर जिन लोगों को कत्ल करने का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था,
उनमें एक अब्दुल्लाह बिन अबी सर्क भी था, मगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे पनाह दे दी और वो आपके घर में 3 दिन तक छुपा रहा। एक दिन जबकि रसूल करीम सल्लम मक्के के लोगों से बैत ले रहे थे, हज़रत उस्मान अब्दुल्ला बिन नबी सर को अपने आपकी खिदमत में ले गए और उसकी बैत कबूल करने की दरख्वास्त की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो कुछ देर तामुल फरमाया, मगर फिर आपने उसकी बैत ले ली और इस तरह दोबारा उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सुनन नसाई की बयान कर दर रवायत में इकरमा बिन अबू जहल के कबूल इस्लाम का जो वाक़या बयान हुआ है, कुतुब सीरत में उसके इस्लाम कबूल करने की तफसीलात यूँ बयान हुई हैं, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, तरह मुख्तलिफ हैं, कि इकरमा बिन अबू जहल उन लोगों में से था जिनके कत्ल का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर हुक्म दिया हुआ था। इकरमा और उसका वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देता था और वो मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा सख्ती करता था। जब उसे इल्म हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका खून बहाने का हुक्म दिया है, तो वो यमन की तरफ भाग गया। उसकी बीवी ने उसका पीछा किया बाद इसके कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसने इकरमा को समुंदर के साहल पर पाया जब वो किश्ती पर सवार होने का इरादा कर रहा था। एक कॉल के मुताबिक उसने इकरमा को तब पाया जबकि वो किश्ती में सवार हो चुका था। उसने इकरमा को ये कहते हुए रोका कि ऐ मेरे चचा के बेटे, मैं तुम्हारे पास उस इंसान की तरफ से आई हूँ जो लोगों में सबसे ज़्यादा जोड़ने वाले और लोगों में सबसे ज़्यादा नेक और लोगों में सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह हैं। तू अपनी जान को हलाकत में मत डाल, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अमान तलब कर चुकी हूँ। इस पर वो अपनी बीवी के साथ आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका इस्लाम बहुत खूबसूरत रहा। रवायत में आता है, जब इकरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उसने अर्ज़ किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने मुझे बताया है कि आपने मुझे अमान दी है। आपने फरमाया, तूने सच कहा, यकीनन तू अमन में है। इस पर इकरमा ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और आप उसके बंदे और उसके रसूल हैं। और उसने अपना सर शर्म से नीचे झुका लिया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इकरमा, तू मुझसे जो भी चीज़ मांगेगा अगर मैं उसकी ताकत रखता हूँगा तो ज़रूर तुझे दूँगा। इकरमा ने अर्ज़ किया कि मेरी हर उस अदावत के लिए बख्शिश की दुआ कर दें जो मैंने आपसे रवा रखी। इस पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की कि ऐ अल्लाह, इकरमा की हर वो अदावत उसको बख्श दे जो उसने मुझसे रवा रखी, या हर वो बुरी बात बख्श दे जो उसने की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से सरशार उठे और अपनी चादर उस पर डाल दी और फरमाया, खुश आमदीद उस शख्स को जो ईमान लाने की हालत में और हिजरत करने की हालत में हमारे पास आया। इकरमा बाद में बड़े जलील कदर सहाबी सहाबा में शुमार होते थे। इकरमा के ईमान लाने से वो पेशगोई भी पूरी हुई जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से बयान फरमाई थी कि आपने ख्वाब में देखा कि आप जन्नत में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अंगूर का एक खोशा देखा जो आपको बहुत अच्छा लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, ये किसके लिए है? तो कहा गया कि अबू जहल के लिए। ये बात आप पर गिरा गुजरी, अच्छी नहीं लगी आपको, परेशान हुए और आपने फरमाया, जन्नत में तो सिवाए मोमिन जान के और कोई दाखिल नहीं होता, तो ये अबू जहल के लिए किस तरह? फिर जब इकरमा बिन अबू जहल ने इस्लाम कबूल किया तो आप इससे खुश हुए और इस खुशी की तबीर ये भी बयान फरमाई कि इससे मुराद इकरमा था। ग़ज़वा तबूक जो रजब 9 हिजरी में हुई, उस ग़ज़वा तबूक को जैशुल उसरा भी यानी तंगी वाला लश्कर भी कहते हैं।
اس غزوے کی تیاری کے لیے حضرت عثمان کو جس مالی خدمت کی توفیق ملی اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے کہ غزوہ تبوک کو جیش الاسرا یعنی تنگی والا لشکر بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے کی تیاری کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک فرمائی تو حضرت عثمان نے شام کی طرف تجارت کی غرض سے تیار کیا جانے والا اپنا 100 اونٹوں کا قافلہ ان کے کجاووں اور پالانوں سمیت پیش کر دیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحریک فرمائی تو اس غزوہ کی ضروریات کے پیش نظر حضرت عثمان نے مزید 100 اونٹ کجاووں اور پالانوں کے ساتھ تیار کروا کے پیش کر دیے۔ آپ نے پھر تحریک فرمائی تو تیسری مرتبہ حضرت عثمان نے پھر مزید 100 اونٹ کجاووں اور پالانوں کے ساتھ تیار کروا کے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے نیچے اترے تو آپ نے فرمایا ما علی عثمانہ ما عمل بعد حاضح، ما علی عثمانہ ما عمل بعد حاضح۔ اس کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، اس کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان نے 200 اوقیہ سونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان نے حاضر ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں 1000 دینار ڈال دیے، اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھولی میں پڑے دیناروں کو الٹتے پلٹتے رہے اور دو مرتبہ فرمایا ما ذرہ عثمانہ ما عمل بعد الیوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان نے اس موقع پر 10,000 دینار عطا کیے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے دعا کی غفر اللہ لکا یا عثمان ما اسررت وما اعلنت وما ہوا کائن الى یوم القیامہ ما یبالی ما عمل بعدہ، کہ اے عثمان اللہ تجھ سے مغفرت کا سلوک فرمائے جو تو نے مخفی طور پر کیا اور جو تو نے اعلانیہ کیا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرے اسے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اس جنگ کی تیاری کے لیے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے پیش کیے۔ ایک روایت کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان سے فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے وہ سب کچھ معاف فرمائے جو تو نے مخفی طور پر کیا اور جو تو نے اعلانیہ کیا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، اس عمل کے بعد یہ جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک روایت کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہم مرز ان عثمانہ فی انی انہو راز، کہ اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے راضی ہوں۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے بعض دفعہ اپنے گھر کا مال و اسباب بیچ کر جنگ کے اخراجات پورے کیے، بلکہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر دوسروں پر خرچ کر دیں اور ان کے لیے تمام ضروریات مہیا کیں۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ فلاں سفر پر ہماری فوج جانے والی ہے مگر مومنوں کے پاس کوئی چیز نہیں، کیا تو کوئی تم میں سے ہے جو ثواب حاصل کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی اٹھے اور آپ نے اپنا اندوختہ نکال کر وہ رقم مسلمانوں کے اخراجات کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا عثمان نے جنت خرید لی۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک کنواں بک رہا تھا، مسلمانوں کو چونکہ ان دنوں پانی کی بہت تکلیف تھی اس لیے آپ نے اس موقع پر فرمایا کوئی ہے جو ثواب حاصل کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ عثمان نے جنت خرید لی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہی الفاظ کہے، غرض 3 موقع ایسے آئے ہیں
جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے جنت خرید لی ہے. حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق بارہا فرمایا ہے کہ انہوں نے جنت خرید لی اور وہ جنتی ہیں. اور ایک دفعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دوبارہ بیعت لی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہ تھے, تو آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں اس کی طرف سے اپنے ہاتھ پر رکھتا ہوں. اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا. اور پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا اے عثمان, خدا تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا, منافق چاہیں گے کہ وہ تیری اس قمیض کو اتار دیں مگر تو اس قمیض کو اتاری اور نہیں. ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان مسلم فرماتے ہیں کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے یہ فرماتے ہیں کہ اس قمیض کو نہ اتارنا, اور جو تم سے اس قمیض کو اتارنے کا مطالبہ کرے گا وہ منافق ہوں گے. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو بھی تھے وہ لوگ وہ منافق تھے, کیونکہ ان کی پیشگوئی آنسر نے پہلی کر فرما دی تھی. اس خلیفہ ثالث نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قربانی کا ذکر ایک جگہ اس طرح فرمایا ہے کہ جنگی ضرورت تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ضرورت حقہ کو رکھا اور مالی قربانیاں پیش کرنے کی انہیں تلقین کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنا سارا مال لے کر آ گئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا نصف مال لے کر آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری یہ پیشکش قبول کر لی جائے کہ میں 10,000 صحابہ کا پورا خرچ برداشت کروں گا, اور اس کے علاوہ آپ نے 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے دیے. حضرت عثمان کا حضرت عمر کے عہد میں کیا کردار تھا اور آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا, حضرت ابوبکر آپ کو کس طرح مقام دیتے تھے, کیا سمجھتے تھے. حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں حضرت عثمان ان صحابہ اور اہل شورا میں سے تھے جن سے اہم ترین مسائل میں رائے لی جاتی تھی. جب حضرت ابوبکر نے فتنہ ارتداد کا مقابلہ کر کے اسے ختم کر دیا, تو روم پر چڑھائی کرنے اور مختلف اطراف میں مجاہدین کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس سلسلے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا. بعض صحابہ نے مشورہ دیا, اس پر حضرت ابوبکر نے مزید مشورہ طلب فرمایا, جس پر حضرت عثمان نے عرض کیا کہ آپ اس دین کے ماننے والوں کے خیرخواہ اور مشفق ہیں, بس جب آپ جس رائے کو عام لوگوں کے لیے مفید سمجھیں تو اس پر عمل کرنے کا پختہ عزم کر لیں, کیونکہ آپ کے بارے میں بدظنی نہیں کی جا سکتی. یعنی حضرت ابوبکر کو عرض کیا کہ آپ کے بارے میں بدظنی نہیں کی جا سکتی. اس پر حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد, حضرت ابو عبیدہ, حضرت سعید بن زید اور اس مجلس میں موجود مہاجرین اور انصار نے کہا حضرت عثمان نے سچ کہا. اب جو مناسب سمجھیں کر گزریں, ہم نہ تو آپ کی مخالفت کریں گے اور نہ ہی آپ پر کوئی الزام لگائیں گے. اس کے بعد حضرت علی نے گفتگو کی, پھر حضرت ابوبکر لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کیا جس کا وہ اہل ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. پھر فرمایا اے لوگو, اللہ تعالیٰ نے تم پر اسلام کے ذریعے فضل نازل فرمایا اور جہاد کے ذریعے تمہیں عزت بخشی, اور اس دین کے ذریعے تم لوگوں کو تمام ادیان پر فضیلت بخشی. بس اے اللہ کے بندو, ملک شام میں روم کے ساتھ جنگ کے لیے لشکر کی تیاری کرو. حضرت ابوبکر نے جب اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ حضرت عوان بن سعید کے بعد کس کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا جائے, تو حضرت عثمان بن عفان نے عرض کیا اس آدمی کو بھیجیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں پر گورنر مقرر فرمایا تھا اور وہ ان کے قبول اسلام اور اطاعت کرنے کا موجب ہوا تھا, اور وہ ان لوگوں سے اور ان کے علاقے سے بھی اچھی طرح واقف ہے.
वो अला बिन हज़रमी है। इस पर हज़रत अबू बकर ने अला बिन हज़रमी को बहरैन भेजने पर इत्तेफाक कर लिया। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हज़रत अबू बकर इतलान हो कि अहद खिलाफत में एक मरतबा बारिश नहीं हुई, लोग हज़रत अबू बकर की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, आसमान बारिश नहीं बरसा रहा और ज़मीन फसलें नहीं उगा रही, लोग सख्त शदीद मुसीबत का शिकार हैं। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, तुम लोग जाओ और सब्र से काम लो, शाम तक अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। इतने में हज़रत उस्मान का 100 ऊँटों का तजारती काफ़िला गंदम या खाने का सामान लादे शाम से मदीना पहुँच गया। उसकी खबर सुनकर लोग हज़रत उस्मान के दरवाज़े पर गए और दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत उस्मान लोगों में निकले और पूछा कि आप क्या चाहते हैं। लोगों ने कहा कि आप जानते हैं कि कैद साली का ज़माना है, आसमान बारिश नहीं बरसा रहा और ज़मीन भी फसलें नहीं उगा रही, लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। हमें मालूम हुआ है कि आपके पास गल्ला है, आप उसे हमारे पास फ़रोख्त कर दें ताकि हम उसे फ़करा और मसाकिन तक पहुँचा दें। हज़रत उस्मान ने फरमाया, बहुत अच्छा, अंदर आ जाओ और ख़रीद लें, अंदर आके ख़रीद लें। ताजर लोग आपके घर में दाखिल हुए और गले को हज़रत उस्मान के घर में पड़ा हुआ पाया। हज़रत उस्मान ने ताजरों से कहा, आप मुझे शाम से जो मैंने मुल्क शाम से जो यहाँ से मैंने ख़रीदा यह सामान, मेरी कीमत ख़रीद पर कितना मुनाफा देंगे। शाम से ले सामान लेकर आया हूँ मैं यहाँ, वहाँ से ख़रीद के लाया हूँ, जो मुझे बताओ तो मुझे इस पर कितना मुनाफा दोगे। उन्होंने कहा कि हम जितने वहाँ लोग थे, कुछ मुफ्त तकसीम करना चाहते थे, कुछ ताजर थे, उन्होंने कहा कि हम 10 के 12 दे देंगे, अगर इसकी कीमत 10 दिरहम है तो हम 12 दे देते हैं। हज़रत उस्मान ने कहा, मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा है। तो उन्होंने कहा, हम 10 के 15 दे देंगे, 10 के बजाय हम 15 देने को तैयार हैं। हज़रत उस्मान ने कहा, मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। ताजरों ने कहा, ऐ अबू उमर, मदीने में तो हमारे अलावा और कोई ताजर नहीं है, तो कौन आपको ज़्यादा दे रहा है इससे ज़्यादा। हज़रत उस्मान ने फरमाया, अल्लाह ताला मुझे हर दिरहम के बदले 10 ज़्यादा दे रहा है, 10 गुना दे रहा है हर एक के बदले, कि आप लोग इससे ज़्यादा दे सकते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम तो नहीं इससे ज़्यादा दे सकते। इस पर हज़रत उस्मान ने फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बनाते हुए इस गले को मुसलमानों के फ़करा पर सदका करता हूँ, यानी कि सारे का सारा गला जो है मैं ये गरीबों को देता हूँ और कोई कीमत नहीं इसकी लूँगा। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने उस रात जिस रात जिनसे ये वाक़िया हुआ, गला तकसीम किया गया, सदका दिया गया, कहते हैं कि मैंने उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, आप एक गैर अरबी घोड़े पर सवार हैं जो बड़े जुस्से वाला है, आप पर नूर की पोशाक है और आपके पैरों में नूर की जूतियां हैं और हाथ में नूर की छड़ी है और आप जल्दी में हैं। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मैं आपका और आपसे गुफ्तगू का बहुत मुश्ताक हूँ, आप इतनी जल्दी में कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने अब्बास, उस्मान ने एक सदका किया है और अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमा लिया है और जन्नत में उसकी शादी की है और हमें उनकी शादी में शिरकत की दावत दी गई है। हज़रत उस्मान का हज़रत उमर के अहद में किरदार और मुकाम और मर्तबा के बारे में चंद बातें बयान करता हूँ। जब हज़रत उमर खलीफा बने
تو آپ نے بڑے بڑے صحابہ سے بیت المال سے اپنے وظیفے کے متعلق مشورہ کیا. اس پر حضرت عثمان نے عرض کیا کھائیے اور کھلائیے, جو ضروریات ہیں آپ کی آپ پوری کریں اور جو لوگوں کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کریں, کوئی کہیں فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور مال کی کثرت ہوئی تو حضرت عمر نے صحابہ میں سے بعض کو اس مال کے بارے میں مشاورت کے لیے اکٹھا کیا. حضرت عثمان نے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ مال بہت ہو گیا ہے جو لوگوں کے لیے کافی ہے. اگر لوگوں کے اعداد و شمار اکٹھے نہ کیے گئے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس نے لے لیا ہے اور کس نے نہیں لیا تو مجھے ڈر ہے کہ مشکلات پیدا ہوں گی. بعض دفعہ دو دو دفعہ لے جائیں گے لوگ, باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے, کھاتے بننے چاہیے. اس پر حضرت عمر نے حضرت عثمان کی رائے کو اختیار فرمایا اور مرد و شماری کر کے لوگوں کے نام رجسٹروں میں محفوظ کرنے کا کام عمل میں آیا اور باقاعدہ پھر اس کے حساب سے ہر ایک کو امداد ملنی شروع ہوئی. حضرت عثمان کی خلافت کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی بھی ہے, پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کا اشارتاً, قمیض پہننے کا اور منافقوں کو قمیض اتارنے کا. یہ حضرت ابوبکر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تم میں سے کسی نے خواب دیکھی ہے؟ ایک شخص نے کہا میں نے دیکھا گویا ایک ترازو آسمان سے اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو تولا گیا تو آپ ابوبکر سے بھاری نکلے, پھر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو تولا گیا تو حضرت ابوبکر بھاری نکلے, پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر بھاری نکلے, پھر ترازو اٹھا لیا گیا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناپسندیدگی دیکھی. آپ نے خواب پر خوشی کا اظہار نہیں کیا, بڑے ناپسندیدگی ہوئی. ایک اور روایت یوں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات ایک صالح شخص کو خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت ابوبکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا گیا ہے اور حضرت عمر کو حضرت ابوبکر سے اور حضرت عثمان کو حضرت عمر سے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر آئے تو ہم نے کہا کہ مرد صالح سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور بعض کا بعض سے جوڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ اس امر یعنی دین کے والی ہوں گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا گویا کہ آسمان سے ایک ڈول لٹکایا گیا, پہلے حضرت ابوبکر آئے تو اس کی دونوں لکڑیاں پکڑ کر اس میں سے تھوڑا سا پیا, پھر عمر آئے تو اس کی دونوں لکڑیاں پکڑیں اور انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا, پھر عثمان آئے اور اس کی دونوں لکڑیاں پکڑیں اور خوب سیر ہو کر پیا, پھر حضرت علی آئے اور اس کی دونوں لکڑیاں پکڑیں تو وہ چھلک گیا اور اس میں سے کچھ ان کے اوپر بھی بڑھ گیا. یہ بھی خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے ہی اشارہ تھا. اور اس علی کے ساتھ جو سارا دور گزرا وہ مشکلات کا ہی تھا, اس طرف اشارہ تھا کہ صحیح طرح پینے کا موقع نہیں ملا. حضرت عثمان کے انتخاب خلافت کے لیے جو مجلس شورا قائم ہوئی تھی اس بارے میں حضرت مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد جب ابھی ٹھیک تھے تو آپ سے بار بار درخواست کی جاتی کہ آپ کسی کو خلیفہ مقرر فرما دیں لیکن آپ انکار فرماتے. ایک روز آپ ممبر پر تشریف لائے اور چند کلمات کہے اور فرمایا اگر میں مر جاؤں تو تمہارا معاملہ ان چھ افراد کے ذمہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں جدا ہوئے جبکہ آپ ان سے راضی تھے, علی بن ابو طالب اور آپ کے نظیر زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن عوف اور آپ کے نظیر عثمان بن عفان, طلحہ بن عبید اللہ اور آپ کے نظیر سعد بن مالک.
फिर आपने फरमाया ख़बरदार मैं तुम सबको फ़ैसला करने में अल्लाह का तकवा इख्तियार करने और तकसीम में इंसाफ करने का हुक्म देता हूँ। अबू जाफ़र बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़ताब ने इंतखाब खिलाफत के लिए मजलिस शूरा के अराकीन से कहा कि अपने इस मामले में बाहम मशवरा करो, फिर अगर दोनों तरफ दो दो वोट हों तो दोबारा मशवरा करो, और अगर चार और दो वोट हों तो फिर जिसके वोट ज़्यादा हों उसे इख्तियार करो। ज़ैद बिन असलम अपने वाले से बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया अगर दोनों तरफ तीन तीन वोट हों तो जिस तरफ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ होंगे उस तरफ के लोगों की सुनना और इताअत करना। अब्दुर्रहमान बिन सईद बयान करते हैं कि जब हज़रत उमर ज़ख्मी हुए तो आपने फरमाया सुहैब तुम लोगों को तीन दिन तक नमाज पढ़ाएंगे, यानी कि सुहैब को इमाम सलात मुकर्रर फरमाया। फिर फरमाया अपने इस मामले में यानी खिलाफत के बारे में मुशावरत करो, और ये मामला उन छः अफराद के सुपुर्द है, फिर इसके बाद जो तुम्हारी मुखालफत करे उसकी गर्दन उड़ा दो। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने अपनी वफात से कुछ देर कबल हज़रत अबू तला की तरफ पैगाम भेजा और फरमाया ए अबू तला तू अपनी कौम अनसार में से 50 अफराद को लेकर उन असहाबे शूरा के पास चले जाओ और उन्हें तीन दिन तक ना छोड़ना यहाँ तक कि वो अपने में से किसी को अमीर मुंतखब कर लें। ए अल्लाह तू उन पर मेरा खलीफा है। इसहाक बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हज़रत अबू तला अपने साथियों के हमराह हज़रत उमर की कब्र तैयार होते वक्त कुछ देर रुके और इसके बाद असहाबे शूरा के साथ ही रहे। फिर जब इन असहाबे शूरा ने अपना मामला हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के सुपुर्द कर दिया और कहा कि वो जिसे चाहें अमीर मुकर्रर कर दें, तो हज़रत अबू तला उस वक्त तक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के घर के दरवाज़े पर रहे जब तक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने हज़रत उस्मान की बैत न कर ली। हज़रत सलमा बिन अबू सलमा अपने वालिद से रवायत करते हैं कि सबसे पहले हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत उस्मान की बैत की, फिर इसके बाद हज़रत अली ने। हज़रत उमर के आज़ाद करदा ग़ुलाम उमर बिन अमीरा अपने दादा से रवायत करते हैं कि मैंने देखा कि सबसे पहले हज़रत अली ने हज़रत उस्मान की बैत की, इसके बाद लोगों ने पैर दर पैर आपकी बैत की। सही बुखारी में हज़रत उमर की आखिरी बीमारी में अपने बाद में आने वाले खलीफा को नसाए और मजलिस शूरा के हवाले से जो तफसील बयान हुई है वो उसका ज़िक्र यूँ मिलता है कि लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन वसीयत कर दें, किसी को खलीफा मुकर्रर कर जाएं। उन्होंने फरमाया मैं इस खिलाफत का हकदार उन चंद लोगों में से बढ़कर और किसी को नहीं पाता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऐसी हालत में फौत हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राज़ी थे, और उन्होंने हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत उबैर, हज़रत तलहा, हज़रत साद और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम लिया और कहा अब्दुल्ला बिन उमर तुम्हारे साथ शरीक रहेगा और इस खिलाफत में उसका कोई हक नहीं। ये पहले रिवायत में मैं बयान कर चुका हूँ इसलिए मुख्तसर बयान करता हूँ यहाँ। बहरहाल हज़रत उमर की वफात के बाद जब उनकी तदफीन से फरागत हुई तो वो आदमी जमा हुए जिनका नाम हज़रत उमर ने लिया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा अपना मामला अपने में से तीन आदमियों के सुपुर्द कर दो। हज़रत ज़ुबैर ने कहा मैंने अपना इख्तियार हज़रत अली को दिया, और हज़रत तलहा ने कहा मैंने अपना इख्तियार हज़रत उस्मान को दिया, और हज़रत साद ने कहा मैंने अपना इख्तियार हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान ने हज़रत अली और हज़रत उस्मान से कहा आप दोनों में जो भी इस उम्र से दस्तबरदार होगा हम उसी के हवाले इस मामले को कर देंगे और अल्लाह और उस इस्लाम उसका निगरान होगा, यानी इंतखाब खिलाफत का मामला उसकी सुपुर्द कर दिया जाएगा, इनमें से उसी को तजवीज़ करेगा जो उसके नज़दीक अफजल है। इस बात ने दोनों बुज़ुर्गों को खामोश कर दिया। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा
कि क्या आप इस मामला को मेरे सुपुर्द करते हैं, और अल्लाह मेरा निगरान है कि जो आप में से अफजल है उसको तजवीज़ करने के मतलब कोई भी कमी नहीं करूँगा, फिर यही है कि मेरे सुपुर्द कर दो। अब इस कमेटी की सदारत जो है वो भी मेरे सुपुर्द हो जाएगी। पहले तो उन दोनों में से कहा किसी एक को सदर बना दिया जाए, उन्होंने कहा वो अलहदा नहीं होते, दस्तबरदार नहीं होते। उसने कहा चाहे फिर मैं दस्तबरदार होता हूँ इस मामले से, और सदारत इस तरह होगी। बहरहाल उन्होंने कहा फिर मैं जो फैसला करूँगा वो इंसाफ से करूँगा और अल्लाह मेरा निगरान है। इन दोनों ने कहा अच्छा। फिर अब्दुर्रहमान उन दोनों में से एक का हाथ पकड़ कर लग ले गए और कहने लगे आपका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते का ताल्लुक़ है और इस्लाम में आपका जो मुकाम है वो आप जानते हैं, अल्लाह आपका निगरान है, बताएं अगर मैं आपको अमीर बनाऊं तो क्या आप ज़रूर इंसाफ करेंगे, और अगर मैं उस्मान को अमीर बनाऊं तो आप उसकी बात सुनेंगे। यानी हज़रत अली का हाथ पकड़ के ले गए पहले और उनका हुक्म मानेंगे, उनसे पूछा। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान दूसरे को तन्हाई में ले गए, यानी अब हज़रत उस्मान की बारी आई, और उनसे भी वैसे ही कहा। जब उन्होंने पुख्ता एहद ले लिया तो कहने लगे उस्मान, उस हज़रत उस्मान को फिर आपने कहा कि आप अपना हाथ उठाएं, और उन्होंने उनसे बैत की, और हज़रत अली ने भी उनसे बैत की, और घर वाले अंदर आ गए और उन्होंने भी उनसे बैत की। हज़रत मुस्लिम आउद रितलान हो हज़रत उमर की वफ़ात हज़रत उस्मान के खलीफा मुंतखब होने की बाबत बयान फरमाते हैं कि हज़रत उमर जब ज़ख्मी हुए और आपने महसूस किया कि अब आपका आखिरी वक्त करीब है, तो आपने छः आदमियों के मतलब वसीयत की कि वो अपने में से एक को खलीफा मुकर्रर कर लें। वो छः आदमी ये थे हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन वकास, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा। इसके साथ ही हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को भी आपने इस मशरे में शरीक करने के लिए मुकर्रर फरमाया, मगर खिलाफत का हकदार करार न दिया, और वसीयत की कि ये सब लोग तीन दिन में फ़ैसला करें, और तीन दिन के लिए सुहैब को इमाम उस्सलात मुकर्रर किया और मशवरा की निगरानी मिकदाद बिन अस्वद के सुपुर्द की, और उन्होंने हदायत की कि वो सबको एक जगह जमा करके फ़ैसला करने पर मजबूर करें और ख़ुद तलवार लेकर दरवाज़े पर पहरा देते रहें, और फरमाया कि जिस पर कसरत राय से इत्तफाक़ हो सब लोग उसकी बैत करें, और अगर कोई इनकार करे तो उसे कत्ल कर दो, लेकिन अगर दोनों तरफ तीन तीन हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन उमर उनमें से जिसको तजवीज़ करें वो खलीफा हो, अगर इस फैसले पर वो राज़ी ना हों तो जिस तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ हों वो खलीफा हो। आखिर पाँचों असहाब ने मशवरा किया, क्योंकि तलहा उस वक्त मदीने में नहीं थे, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बहुत लंबी बहस के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अच्छा, जो शख्स अपना नाम वापस लेना चाहता है वो बोले। जब सब खामोश रहे तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि सबसे पहले मैं अपना नाम वापस लेता हूँ, फिर हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं भी लेता हूँ, फिर बाकी दो ने भी कहा। हज़रत अली खामोश रहे। आखिर उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से अहद लिया कि वो फ़ैसला करने में कोई रियायत नहीं करेंगे। उन्होंने अहद किया और सब काम उनके सुपुर्द हो गया, यानी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सुपुर्द हो गया। हज़रत अली अब्दुर्रहमान बिन औफ तीन दिन मदीने के हर घर गए और मर्दों और औरतों से पूछा कि उनकी राय किस शख्स की खिलाफत के हक़ में है। सब ने यही कहा कि उन्हें हज़रत उस्मान की खिलाफत मंजूर है। चुनाचे उन्होंने हज़रत उस्मान के हक़ में अपना फ़ैसला दे दिया और वह खलीफा हो गए। अल्लामा इब्न साद लिखते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की 29 ज़ुलहज्जा 23 हिजरी को पीर के रोज़ बैत की गई। एक नज़ाल बिन सबरा बयान करते हैं कि जब हज़रत उस्मान खलीफा मुंतखब हुए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, हमने बाकी रह जाने वालों में से सबसे बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है और हमने इस इंतखाब में कोई कोताही नहीं की। हज़रत उस्मान ने खिलाफत मुतमक्किन होने के बाद जब पहला ख़िताब फरमाया उसके बारे में रवायत ये है कि इस्माइल बिन इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन अबू रबिया
مخزومی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کی بیعت کی گئی تو آپ لوگوں میں آپ یعنی حضرت عثمان لوگوں میں تشریف لائے اور ان سے خطاب فرمایا جس میں آپ نے اللہ کی تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا اے لوگو پہلے پہل جو کام کیا جائے وہ مشکل ہوتا ہے نیا نیا کام کو پہلی دفعہ کر رہا ہو تو مشکل ہوتا ہے آج کے بعد اور بھی دن آنے والے ہیں اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تمہارے سامنے مناسب خطاب بھی کر سکوں گا آج تو یہ مختصر خطاب کر رہا ہوں میں آئندہ دن بھی آئیں گے مناسب خطاب کروں گا پھر فرمایا ہم کوئی خطیب نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے گا خطاب کرنے کے طریقے بھی سکھا دے گا اللہ تعالیٰ بدر بن عثمان اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ جب اہل شورا نے حضرت عثمان کی بیعت کر لی تو آپ اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ان سب سے زیادہ غمگین تھے پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر آئے اور لوگوں سے خطاب کیا آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر فرمایا یقیناً تم لوگ ایک ایسے گھر میں ہو جسے چھوڑ جانا ہے یعنی یہ دنیا اور تم عمر کے آخری حصوں میں ہو اس لیے موت سے پہلے پہل جس قدر نیک کام کر سکتے ہو کر لو یقیناً تم موت کے گھیرے میں ہو اور یہ دشمن صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے خبردار یقیناً دنیا مکر و فریب سے آراستہ ہے بس تمہیں دنیاوی زندگی دھوکہ نہ دے دے اور اللہ کے بارے میں سخت دھوکے باز شیطان تمہیں ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرو اور پھر بھرپور کوشش کرو اور غافل نہ رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں وہ دنیا دار اور ان کے بھائی کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا اور ایک لمبا عرصہ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے کیا اس نے انہیں نکال باہر نہیں پھینکا بس تم بھی دنیا کے وہاں پھینک دنیا کو وہاں پھینک دو جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے پھینکا ہوا ہے اور آخرت کو طلب کرو آخرت کو طلب کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی مثال اور اس چیز کی جو بہترین ہے مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے وضرب لہم مثل الحیات دنیا کما انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض فاصبح حشیما تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدر المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال الکاف کی آیات ہیں یہ اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر جو ایسے پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کی زویدگی شامل ہو گئی پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے طور پر بہتر اور امنگ کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں اس کے بعد لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے لپکے حضرت عثمان کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئیں ان کا ذکر کرتا ہوں حضرت عثمان کے دور خلافت میں درج ذیل علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات سے نوازا فتح افریقیہ یہ الجزائر اور مراکش کے علاقے ہیں فتح اندلس اسپین 27 ہجری فتح قبرص سائپرس 28 ہجری فتح تبرستان 30 ہجری فتح سواری فتح آرمینیا فتح خراسان 31 ہجری بلاد روم کی طرف پیش قدمی مروروس تالقان فاریاب جوزہ جان اور تخارستان کی فتوحات بلخ حرات کی مہم 32 ہجری اس کے علاوہ اس امر کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں ہندوستان میں اسلام کی آمد ہو گئی تھی ان مہمات اور فتوحات کی مختصر تفصیل یوں ہے 27 ہجری میں حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن
अभी सर को 10,000 फौज देकर अफ्रीकिया रवाना फरमाया। अफ्रीकिया से मुराद वही मराकश और अलजायर का इलाका है। बस अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। उन्दलस 27 हिजरी स्पेन हज़रत उस्मान ने अब्दुल्ला बिन नाफे बिन हुसैन फ़ाहरी और अब्दुल्ला बिन नाफे बिन अब्द कैस फ़ाहरी को अफ्रीकिया से उन्दलस की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया। बस ये उन्दलस की तरफ चले और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह से नवाजा। फतह कब्रस 28 हिजरी अबू माशर का कॉल है कि कब्रस 33 हिजरी में फतह हुआ। बाद लोगों के मुताबिक 27 हिजरी में कब्रस की जंग लड़ी गई। तारीख़ तबरी और बिदाया व नहाया दोनों ने इसको 28 हिजरी के वाक़यात में बयान किया है। इस जंग में सहाबा में से हज़रत अबू बकर गफारी, हज़रत उबैदा बिन सामित और आपकी ज़ौजा हज़रत उम्मे हराम बिन्त मिलहान, हज़रत मिकदाद, हज़रत अबू दरदा, हज़रत शद्दाद बिन औस शामिल थे। कब्रस मुल्क शाम के गरबी जानब एक अकेला जज़ीरा है। इसमें बागात और काने बकसरत थीं। कब्रस हज़रत उस्मान के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त और हुक्म से आप रज़ी अल्लाह अन्हु की इजाज़त और हुक्म से अमीर मुआविया के हाथ पर फतह हुआ। इस जंग में हज़रत उम्मे हराम बिन्त मिलहान भी शामिल थीं, जिनको आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की खबर पहले ही दे दी थी। इस जंग से वापसी पर आपके लिए सवारी लाई गई। आप इस पर सवार हुईं लेकिन इस पर से गिर पड़ी और आपकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जिससे आपकी शहादत हो गई। ये जिक्र अभी चल रहा है, आइंदा भी इंशाल्लाह बयान होगा। दुआ की तरफ तो आज भी मैं तवज्जो दिलाता हूँ। पाकिस्तान के अहमदियों के लिए दुआ करते रहें, अल्लाह ताला उनके हालात बेहतर करे, उनको भी दुआओं की तौफीक दे, पाकिस्तान में रहने वाले अहमदियों को अपनी इसलाह की भी तौफीक दे, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बढ़ाने की भी तौफीक दे और अल्लाह ताला जल्द ये अंधेरे दिन जो हैं रोशनियों में बदल दे और हम वहाँ के अहमदियों को भी आज़ादी के साथ अपने फ़राइज़ और अदा करने करते हुए देखें। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر